हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एक एडवर्टीजमेंट जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड आसाम ने इशू की है। एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 21 मार्च की है जिसमें एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। मैं बताता हूँ कौन कौन सी। 15 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन डायरेक्टोरेट ऑफ ए पी हेडक्वार्टर्स, 170 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस केडर, और 19 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ये भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस केडर में है। तो इसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं और वेबसाइट का एड्रेस मैंने आपको दिया है। इसकी फर्दर डिटेल्स मैं बताता हूँ आपको। इसमें एप्लीकेशंस जो हैं ऑनलाइन इन्वाइट की गई हैं और 4 अप्रैल से लेकर लास्ट डेट है 4 मई 2020, और देर विल बी नो एप्लीकेशन फी, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज जो है वो इनके एडवर्टीजमेंट में दिया गया है, और एडवर्टीजमेंट जो है मैंने अटैच की है, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका। ये एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स में आई होगी और हो सकता आपने देखी हो, लेकिन मैंने कुछ सोचा कि आपसे कुछ इसके सेलियंट फीचर्स मैं आपसे शेयर कर लूँ। पहला तो ये है, हो सकता है आप लोगों में से किसी ने ध्यान से इसको नहीं देखा हो। दूसरा ये है कि वैकेंसीज जो हैं इसमें बहुत नंबर बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है वो जूनियर असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है इसमें 38 ईयर्स है, नॉर्मली इतनी होती नहीं है। तो जो लोग इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहें पढ़ सकते हैं डिटेल में। देर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, मैंने पहले भी बताया है। उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की स्टेनोग्राफी में, जो किसी ने भी अगर ITI से किया हुआ है तो वो एलिजिबल है इसमें। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ के इसमें 5 मिनट की डिक्टेशन होगी 80 वर्ड्स पर मिनट की, और क्योंकि इसमें डिक्टेशन भी कम है और एज भी ज़्यादा है, लेकिन जो लोग इसको अवेल करना चाहें अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और मेरी तो सजेशन यही रहती है हमेशा कि जो भी इस स्टेट में है, असम में या उसके आसपास हैं और वो एलिजिबल हैं, तो उनको इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, और नहीं तो एटलीस्ट अपने आप को टेस्ट तो करें कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो जाता है उससे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए नेशनैलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ आसाम, सभी एलिजिबल हैं। कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 38 ईयर्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट प्लस नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी फ्रॉम ITI विद 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी। तो यही रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल भी और एलिजिबिलिटी की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए स्पीड टेस्ट जो होगा वो शॉर्ट एंड का 80 वर्ड्स पर मिनट का है, ड्यूरेशन 5 मिनट की होगी, 400 वर्ड्स। टाइम टू बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर टेस्टिंग द कंप्यूटर विल बी 3 मिनट्स, और टाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन होगा 20 मिनट्स। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैंडिडेट्स विल हैव टू ट्रांसक्राइब द डिक्टेटेड पैराग्राफ ऑफ 400 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर, और उसमें 0.125 मार्क डिडक्ट होंगे फॉर एवरी करेक्ट ट्रांसक्राइब्ड वर्ड विल बी, अच्छा 0.25 मार्क फॉर एवरी करेक्ट ट्रांसक्राइब्ड वर्ड विल बी अवार्डेड। प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, एक प्रैक्टिकल टेस्ट का भी प्रोविजन है, वो उसकी डिटेल्स मैंने अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं। देर विल बी 2 फेसेस ऑफ टेस्ट, एक रिटर्न टेस्ट होगा और एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स एंड विल बी कम्प्लीटली OMR बेस्ड, 50 क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग है,
हाफ मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. ये आप डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर. और इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज एंड अदर डिटेल्स, आप एडवर्टाइजमेंट देखिए जो अटैच्ड है. फाइनली मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से अगर जो भी एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स हैं दे इफ दे कैन अफोर्ड टू गो दे मस्ट अप्लाई. और जो विद इन स्टेट हैं उनको तो करना चाहिए. इफ दे आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ट्राई टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज. एटलीस्ट अप्लाई अभी कर दीजिए. आप बाद में सोचना चाहें तो सोच सकते हैं. विद इन टाइम कर दीजिएगा अप्लाई. और आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी. अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने ना किया हो तो. थैंक यू वेरी मच.